बिहार थाना क्षेत्र के इमादपुर कब्रिस्तान के पास बीते 2 अगस्त को फल व्यवसायी से हुए लूटकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। इमादपुर में हुई 5,75,000 रुपए की लूट में चौंकाने वाला खुलासा किया है। पीड़ित ही लूटकांड का साजिशकर्ता निकला। पुलिस ने पीड़ित समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इलाके के फुटेज और तकनीकी जांच से पुलिस टीम ने ब्लाइंड केस की गुत्थी सुलझाई। बदमाशों के पास से 2 कट्टा, 1 पिस्टल, 2 बाइक, मोबाइल, 6,702 रुपया नकदी और लूट के रुपए से बना जेवर व लूटा पैन कार्ड व बैग बरामद हुआ। गिरफ्तार बदमाश आसिफ ने बताया कि फल व्यवसायी राजा के पास उसका 2,00,000 रुपया बकाया था। बार बार मांगने पर भी जब राजा ने नहीं दिया तो कर्ज का रुपया वसूलने के लिए उसने राजा के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई, जिसमें तय हुआ कि लूट के रुपए से वह कर्ज चुका देगा, जिसके बाद राजा ने अपने सहयोगियों की मदद ली। बीते 2 अगस्त को जैसे ही आसिफ अपने चचेरे भाई समीर के साथ टोटो पर सवार होकर घर से निकला, उसने राजा को सूचना दे दी और लिखा कि लूट के वक्त उसका भी बैग छीन ले। जैसे ही दोनों इमादपुर मोहल्ला स्थित कब्रिस्तान के पास पहुंचे, बदमाशों ने हथियार के बल पर दोनों से बैग छीनकर फरार हो गए। बाइक पर कुल 5 बदमाश सवार थे। समीर के बैग में 2,33,000 और आसिफ के बैग में 730 रुपया था। शातिर खुद को पीड़ित साबित करने के लिए 2,00,000 लूट का आरोप लगा रहा था। नालंदा पुलिस के द्वारा हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में कार्रवाई करते हुए पहले 26-27 की रात्रि दीपनगर थाना क्षेत्र के NH जो कि राजगीर की तरफ जाने वाली है, उसमें अपराध कर्मियों के द्वारा ईंट बिछाकर राहगीरों से हथियार के बल पर लूटपाट करने का प्रयास किया जा रहा था। तत्क्षण थानाध्यक्ष दीपनगर को सूचना प्राप्त हुई, गश्ती एवं स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर अपराध कर्मियों को लोडेड देसी पिस्तौल एवं रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस की सजगता से अपराध कर्मी लूट की घटनाओं को अंजाम नहीं दे पाए। इसी क्रम में बिहार थाना क्षेत्र में गुज़श्ता 2 अगस्त को सुबह सुबह इमादपुर के पास फल व्यापारी से लगभग 5,00,000 रुपये लूटने की घटना प्रतिवेदित हुई थी। उस संबंध में FIR दर्ज कर हम लोग अनुसंधान कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था। अनुसंधान, अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं उद्भेदन हेतु पुलिस टीम के द्वारा इसमें कार्रवाई करते हुए जो घटना में शामिल कुल 3 अपराधकर्मी को हथियारों के साथ कुल 3 देसी पिस्तौल है उसके साथ एवं जो घटना में लूटे हुए बैग एवं कुछ कैश है, मोबाइल इत्यादि के साथ उनकी गिरफ्तारी हुई है। विशेषकर इस कांड में जो चौंकाने वाले तथ्य प्रकाश में आए हैं कि कांड के जो वादी आसिफ हैं, मोहम्मद आसिफ, जो अपने चचेरे भाई के साथ उस दिन सवेर सवेर टोटो से जा रहे थे, दोनों फल व्यापारी हैं, मोहम्मद आसिफ के द्वारा ही अपराध कर्मी मोहम्मद राजा, जिनके यहाँ उनका लगभग 2,00,000 से अधिक फल से संबंधित बकाया था, उनके कहने पे राजा अपने अन्य अपराध कर्मियों के साथ इस घटना का को कारित करने का योजना बनाया। पूरी घटना की जानकारी मोहम्मद आसिफ को थी और इसी क्रम में अपराध कर्मियों को सूचना भी उसके द्वारा दिया गया घर से निकलने के संबंध में और ये घटना को अंजाम दिया गया। और जो लूटने के बाद उन्हें जो हिस्सा मिला मोहम्मद राजा को, वो अपना जो कर्ज था वो मोहम्मद आसिफ को लौटाया था। इस क्रम में मोहम्मद आसिफ की भी गिरफ्तारी हुई है। कुल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी इमादपुर फल लूटकांड में हुई है। इसी क्रम में ये पूर्णतः अज्ञात कांड का सफल उद्भेदन हुआ है। इसमें हम लोग एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं ताकि अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में हम लोग विचारण करा सकें। सर, अनुसंधान में कितना